हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, स्कूल जाने से पहले मैं नहा लूँगा, स्कूल जाने से पहले मैं खाना खा लूँगा, कोचिंग जाने से पहले वो अपना होमवर्क बना लेगा, दिल्ली जाने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस को देखेंगे, पहला फ्यूचर में और दूसरा सेंटेंस होगा पास्ट में। कैसे, आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे आई विल, क्योंकि सब्जेक्ट मैं अपने लिए बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आई विल आएगा। यदि दूसरा सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आई के जगह सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद आएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर पहला पार्ट कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद आएंगे बिफोर गोइंग टू। बिफोर गोइंग टू को लगाने के बाद अदर वर्ड्स को लिख देंगे, मीन्स जिस जगह में हम लोग जाने की बात कर रहे हैं। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पास्ट वाला हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज का पहला सेंटेंस है, स्कूल जाने से पहले मैं नहा लूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, आई विल हैव अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई विल हैव अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर आई का मतलब हुआ कि आई विल। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोचिंग जाने से पहले मैं होमवर्क बना लूंगा, चिंता मत करो। तो इस संडेस के लिए बोलेंगे, डोंट वरी आई डू माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। डोंट वरी आई डू माई होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई कंप्लीट माई होमवर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोचिंग जाने से पहले वो खाना खा लेगी। तो इस संडेस के लिए आप कहिएगा, सी विल हैव फूड बिफोर गोइंग टू कोचिंग। सी विल हैव फूड बिफोर गोइंग टू कोचिंग। यहाँ पर हैव की जगह टेक या ईट वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। यदि सेंटेंस पास्ट में बोलना हो तो सेकंड वाला क्लाउज सेम टू सेम रहेगा बिफोर के बाद, बट स्ट्रक्चर के पहले वाले टुकड़े में, पहले वाले पार्ट में आपको सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर सिंपल शब्द में कहे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। अब इसको भी बेटर तरीके समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। स्कूल जाने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, I had completed my work before going to school. I had completed my work before going to school. Next sentence है, ऑफिस जाने से पहले उसने मुझे बता दिया था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, He had told me before going to office. He had told me before going to office. हे दोस्तों, से जुड़े मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake, then I'll correct it. Thank you for watching my video and do not forget to share this video.